अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुनीब अहमद खरल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरियाटन कराची। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अपने रेडी टू मूव विद की विला के मालिक बने। जिस तरह के हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं प्रिसन 35, प्रिसन 10A, प्रिसन 11A के हवाले से, उसी तर्ज पर हमारी एक वीडियो है प्रिसन 31 के हवाले से। प्रिसन 31 में हमें बहरिया की तरफ से 235 कैरियॉट के जो हैं वो रेडी टू मूव विलास बना के दिए गए हैं, जो कि इस वक्त बिल्कुल ऑपरेशनल हैं। और हम देखें तो हमें वहाँ पे काफ़ी हद तक इस टाइम पे जो है वो आबादी नज़र आती है, मतलब लोग वहाँ पे 80-90% वहाँ पे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं प्रिसन 31 में। अगर हम बेडरूम्स के हवाले से बात करें तो 3-bedroom अकोमोडेशन के साथ हमें एक लग्जरी लाइफ जो है वो प्रिसन 31 में देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देखें कि हमें जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में किस तरह से जो है वो विला कॉस्ट कर सकता है, कि मतलब हम जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अमाउंट दें और हमें विला मिल जाए। हम प्रिसन 31 का कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं प्रिसन 30 के साथ। प्रिसन 30 में अगर हम देखें तो इस टाइम पे हमें जो मिनिमम प्लॉट मिल रहा है वो 55 प्लस माइनस में जो है वो प्रिसन 30 में प्लॉट मिल रहा है। उसके हवाले से अगर देखें तो 250 गज का जो है प्लॉट हमें 30 में 55 प्लस माइनस में मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाते हैं 250 गज के प्लॉट के ऊपर, तो हमें ऑलमोस्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करते हैं, अगर हम कोई और ख़र्चा नहीं डालते, 2 करोड़ रुपया जो है वो हमें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिलती है। उस हवाले से अगर देखें तो हमें जो टोटल कॉस्ट करेगा प्रिसन 30, मतलब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, वो जो कॉस्ट करेगी इस टाइम पे हमें कोई 2,55,00,000 रुपए में प्लॉट की अमाउंट डाल के और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की अमाउंट डाल के ऑलमोस्ट हमें विला कॉस्ट कर रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें प्रिसन 31 में जो विला है वो 155 लाख प्लस माइनस में इस टाइम पे जो है वो कॉस्ट कर रहा है, कि मतलब हमें 200 गज़ का रेडी विला, साइज़ का डिफरेंस देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा हमें जो है वो 50 स्क्वायर यार्ड साइज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे हमें विला जो है वो 1,55,00,000 में मिल रहा है। और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें विला 2,55,00,000 तक की ब्रैकेट में जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह अगर हम कंपेयर करें तो इस टाइम पे जो मतलब बात करने का मकसद ये है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है वो लेने का टाइम है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त एक बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह पहले मार्केट थोड़ा बेहतर थी कुछ टाइम पहले जाते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छे रेट्स जो है देखने को मिल रहे थे। अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, रेट्स हमें जो है वो थोड़ा नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होगी, हमारे मुल्क के हालात स्टेबल होते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा मार्केट उससे भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, मतलब हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। एक तो होगी ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और हमें मिल भी 1,55,00,000 में रही है, ठीक है, मतलब हमें 1 करोड़ रुपया जो है वो सीधा सीधा हम वहाँ से सेव कर रहे हैं, ठीक है। अभी 1 करोड़ का हम जो है वो उसमें 50,00,000 रुपये और ऐड करके एक और विला जो है प्रिसन 31 में ही बाय कर सकते हैं 235 कैरियॉर्ड का, ठीक है। वो 250 गज़ का विला था जो हमें 2,55,00,000 में कॉस्ट कर रहा था, और वही 235 गज़ का विला हमें 1,55,00,000 रुपए में कॉस्ट कर रहा है, और हम जस्ट थोड़ी सी अमाउंट और ऐड करके इसमें जो है वो 2 विला के मालिक बन सकते हैं। अगर हम ये विला की इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम के हवाले से करना चाह रहे थे तो हम जो उस पर कॉस्ट टाइम लगना था कंस्ट्रक्शन का 1-1.5 साल, वो हम पहले से अपने विला को रेंट आउट करके या थोड़ी और अमाउंट ऐड करके 2 विला करके उसको जो है वो रेंट आउट करके एक अच्छा रेंटल रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। और जो ROI की अगर हम बात करें तो जहाँ से हमें एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना था, वहाँ से हम 2 रेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो एक आबादी इस टाइम पे रह रही है, जो एक फुली इस टाइम पे हमें ऑक्यूपाइड प्रिसेंट नज़र आता है, ठीक है, और बहरिए की तरफ से जो है वो उसके बना के दिया गया, और मतलब हर फैसिलिटी जो है वो हमें प्रिसेंट 31 में इस वक्त जो है वो देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे जो ये टाइम है ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है वो इस टाइम पे एक हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में, अगर हम उसको भी परचेज करते हैं। सो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के हवाले से या बहरियाटन कराची के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे दिए गए गिवन नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।